हिंडे अलकजार के एक और नए वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि प्रीवियस वीडियो के कंपैरिजन में जो भी चेंजेस वगैरह आए हैं रिपोर्ट्स के अंदर, उन सब के बारे में बात करेंगे। और अभी से मैं एक चीज़ बता दूं कि लॉन्च के अंदर हमें जो है वो कन्फर्मेशन मिल चुका है, जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात होगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो देन। अलकजार फेसलिफ्ट के साथ में आने वाली है, और ये चीज़ हम आपको दो महीने से आई थिंक मतलब डेढ़ से दो महीने पहले ही हमने R&D करना शुरू किया था, तब से लेके आपको जो है वो रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिल रहा है। आई थिंक हर एक वीक में एक वीडियो शायद आपको मिल रहा होगा अलकजार का। एज सुन एज वी रिसीव दी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, हम आपके लिए वीडियो बना देते हैं। आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देख लेना। और शुरू करते हैं। सबसे पहले टिपिकल जैसे बात करते हैं कि गाड़ी के साथ में आपको इंजन एंड गियरबॉक्स ऑप्शंस के नाम पे क्या देखने को मिलेगा। तो जो कंफर्म हो चुका है उसकी बात करें तो 1.5 लीटर का आपको डीजल देखने को मिलेगा, और 1.5 लीटर का आपको टर्बो पेट्रोल देखने को मिलेगा। नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के ऊपर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद नेचुरली एस्पिरेटेड इसके साथ में नहीं आएगा। रादर देन दैट आपको 1.5 का टर्बो मिलेगा और 1.5 का डीजल मिलेगा। 6 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर आपको डीजल में मिलेगा, वेयर एज टर्बो पेट्रोल के साथ में 6 स्पीड का मैनुअल, उसके साथ में आपको IMT का ऑप्शन शायद ही मिलेगा, मतलब कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 7 स्पीड का DCT आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर वहाँ पे IMT आता है तो फिर मैनुअल नहीं मिलेगा, तो इन दोनों में से एक चीज़ हो सकती है टर्बो के साथ में। तो ये चीज़ है। और फाइनली गाड़ी की लॉन्च के बारे में बात करें तो कन्फर्म हो चुका है कि जुलाई के एंड होने मतलब जुलाई के एंड होने तक या फिर जुलाई के एंड होने से पहले इसको अनवील कर दिया जाएगा, और 16.7 से लेके ऑलमोस्ट 21.2 लाख एक्स शोरूम तक जाएगी इन टर्म्स ऑफ प्राइस अरेंजमेंट। प्राइसिंग इसकी बहुत ही अग्रेसिव रखी जाएगी, क्योंकि इसके कंपटीशन में बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जो कि मार्केट को लिटरली कैप्चर करके बैठी है, और ऐसे में ह्युंडई नहीं चाहेगी कि वो लोग खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार के इसकी सेल्स को ख़त्म कर दे। तो ये चीज़ वो लोग नहीं करेंगे, इसी वजह से आपको इसकी प्राइसिंग अग्रेसिव देखने को मिल जाएगी। और ऑन रोड की प्राइस की अभी तक एस्टिमेट की बात करें तो कंफर्म हम नहीं बता सकते, और यही जो ये वाली जो हमने आपको प्राइस बताई वो भी हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो हमने आपको बताया, कोई रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन ये क्लियरली नहीं होता है, तो वहाँ पे तो सिर्फ सिनारियो मेंशन किया हुआ होता है, तो इस वजह से हम आपके लिए स्पेशली वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। सबसे लास्ट में बात करें फीचर्स एंड वेरियंट्स के बारे में। अभी मैंने आपको बोला इसको अग्रेसिवली प्राइस किया जाएगा। अग्रेसिवली प्राइस क्यों करेंगे ये लोग, इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। अभी कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो सफारी भी है, हैरियर भी है, स्कॉर्पियो N है, स्कॉर्पियो क्लासिक को भी उठा लो, थोड़ी बहुत क्रेटा को भी उठा लो, क्योंकि जो लोग अलकजार लेते हैं उसमें से कई लोग ये डिसाइड करके मतलब ये कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि अलकजार से अच्छी क्रेटा रहेगी। 1-1.5 लाख रुपए कम में टॉप एंड वाला वेरिएंट भी आ जाएगा, और हमें ज़्यादा 7 सीट की ज़रूरत है नहीं, ऐसा सोचने वाले बहुत से लोग हमने देखे हैं जो अलकजार की बुकिंग को कैंसिल करवा के उन्होंने क्रेटा की डिलीवरी को ली है। तो इस वजह से ये क्लियरली वहाँ पे ह्युंडई को भी पता है, तो इसी वजह से ये लोग इस तरह से मतलब प्राइस करेंगे कि इस गाड़ी के साथ में आपको ऑलमोस्ट 23 लाख तक इसका ऑन रोड आपको टॉप एंड वाला ड्यूअल टोन के साथ में वेरिएंट पड़ जाएगा, सारे फीचर्स के साथ में आएगा। अभी वाली क्रेटा के साथ में जितने फीचर्स है टॉप एंड के साथ में वो सारे फीचर्स को दिया जाएगा, उसके साथ में आपको लेवल 2 के एडास के अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स भी देखने को मिलेंगे जो क्रेटा के साथ में भी नहीं आते, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसको थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दी क्रेटा, वरना अगर सेम चीज़ें क्रेटा वाली आ गई तो फिर शायद ऐसा हो सकता है कि लोग क्रेटा की ओर ज़्यादा जाए। तो इस वजह से इसको अलग कंपटीशन के साथ में टारगेट रखते हुए उस हिसाब से ह्युंडई इसके साथ में फीचर्स प्रोवाइड करने वाली है, और वेरिएंट्स मैंने आपको बता ही दिया बहुत वैल्यू फॉर मनी के एस्पेक्ट्स मतलब उस एस्पेक्ट से देखो तो बहुत से अच्छे वेरिएंट ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। तो अभी तक इतनी इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ऑटो एंथुजियास्ट हो फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ एंड गुड बाय।